कि आज हमारी बिखरने का, हमारी चीजों का, मैं एक बात कहता हूं ना कि खेत का बंटवारा फसल से होना है तो हम खेत बचा लेंगे तो फसल का ऐसा क्या हुआ कि इन मेहनत कश लोगों के हाथ से सत्ता चली गई? अगर आप इतने ताकतवर हैं तो आप इतने कमजोर क्यों हो गए? क्योंकि बिखर गए। मैं ये मानता हूं कि हम देश के नागरिक इस वक्त उस मुहाने पर खड़े हैं जहां आपस में अगर उलझे तो वो जो बिल्लियां रोटी बांटने के लिए लड़ रही थी ना, एक बंदर आएगा और ये बताएगा कि मैं हिस्सा बांट कर देता हूं और वो सारी रोटी खा जाएगा और हम आपस में उलझे रह जाएंगे। हमने मेहनत की, हमारे पुरखों ने मेहनत की, तब उसकी कमाई से ये मुल्क की इमारतें बनी हैं, सड़कें बनी हैं, ये देश बना है। और ये बात हम दावे से कहें। लेकिन एक जगह जो लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, मैं ये मानता हूं कि हम देश के नागरिक इस वक्त उस मुहाने पर खड़े हैं जहां आपस में अगर उलझे तो वो जो बिल्लियां रोटी बांटने के लिए लड़ रही थी ना, एक बंदर आएगा और ये बताएगा कि मैं हिस्सा बांट कर देता हूं और वो सारी रोटी खा जाएगा और हम आपस में उलझे रह जाएंगे। गलतियां हुई हैं। मैं एक बात कहता हूं कि हम लोग दावा ये करते हैं कि हम इस देश के शासक लोग हैं, हमारी आबादी 90% है, हमारी जाति में इतने ताकतवर लोग हैं, हमारे पुरखों ने इस देश को रहने लायक बनाया है, हम लोग भीख मांग के खाने वाले लोग नहीं रहे, हमने मेहनत की, हमारे पुरखों ने मेहनत की, तब उसकी कमाई से ये मुल्क की इमारतें बनी हैं, सड़कें बनी हैं, ये देश बना है। और ये बात हम दावे से कहते हैं। मगर फिर मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि ऐसा क्या हुआ कि इन मेहनत कश लोगों के हाथ से सत्ता चली गई? अगर आप इतने ताकतवर हैं तो आप इतने कमजोर क्यों हो गए? क्योंकि बिखर गए। और बिखर गए इसलिए क्योंकि हम लोगों में तमाम चीजें ऐसी, मेरे पिताजी एक कहानी सुनाया करते थे, अंगूर लेने गए तो अंगूर सस्ता ले आने के चक्कर में हमने कहा कि ये अंगूर हम ले आए, देखो 10 रुपए में 5 किलो ले आए। उन्होंने कहा कि ये अंगूर इतने सस्ते तो बाकी, तो मैंने कहा कि वो महंगे थे। हमने कहा कि महंगा अंगूर नहीं ले आए हम, कम पैसे में ज्यादा ले आए। उन्होंने कहा कुछ समझ में आया? मैंने कहा नहीं। कहे जो महंगा अंगूर था वो कैसा था? मैंने कहा कि वो गुच्छे में था, जो सस्ता था वो ऐसे ही बिखरा हुआ था। उन्होंने कहा कि यहीं से एक पैगाम है, समझ लेना, अगर गुच्छे में रहोगे तो औकात ज्यादा रहेगी, बिखर गए तो यूं ही औने पौने दाम पे बेचे जाओ। आज इस मंच की जरूरत उस विचारधारा को बिखरने से बचाना है। और हमारे जैसे लोग आपके बीच में आए हैं तो हम ये जानते हैं कि हमारे इस मंच को तो बनाया गया है साझा, इस मंच पर हर जाति के लोग हैं। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं और मैं उनको याद करते हुए एक बात कहना चाहता हूं, इस बात को इस देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली तक जाना चाहिए। जिस वक्त इस देश में खुदाई होनी चाहिए तो स्कूल की नींव खोदी जाए कि नया स्कूल बनाया जाए, खुदाई हो कि सड़क बने उसके लिए खुदाई हो, खुदाई हो कि एक नया हॉस्पिटल बने, खुदाई हो कि एक नया स्कूल और विश्वविद्यालय बने। उस देश में आज खुदाई इसलिए कराई जा रही है कि चुनाव नजदीक आने पर दंगा कराया जाए और दंगे की फसल कुछ दंगाई लोग खा सके। और ऐसे वक्त में स्वामी प्रसाद जी हम लोग के अग्रज, वैचारिक अग्रज, कुछ कड़वी दवाई देते हैं जिसका डोज भारी पड़ जाता है। मैं फिर भी कह रहा हूं वो दवाई है, और दवाई है तो थोड़ा तीखी तो लगेगी, और तीखी लगेगी तो कुछ लोग विरोध करने आएंगे, डराएंगे, बांटेंगे। मगर मैं एक खूबसूरत दृश्य इस हॉल से भी देख रहा हूं, वो चंद लोग जो बाहर झंडा लेकर खड़े रहे होंगे वो इतिहास में मिट गए होंगे। आप देखिए कि आपके साथ इस सभागार में
पूरे जाति समाज और समुदाय के लोग एक साथ खड़े हैं, यह है वैचारिक लड़ाई। और इसी एकजुटता से हमें एक उम्मीद नजर आती है, उम्मीद इस बात की कि आने वाले वक्त में चुनौती क्या है। मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, यह आजमगढ़ शहर है भाई, इस शहर में कभी कायदे से इस आजादी के पहले से आजादी के बाद तक वामपंथी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा के लोगों का शासन था। इस राज्य, इस प्रदेश के इस हिस्से में, आजमगढ़ में हमेशा एक प्रगतिशील दृष्टिकोण रहा है। यहां एक तरफ तमाम तरह के संगीत के घराने खुलते थे, तो दूसरी तरफ जब इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो एक शख्स ऐसा था जिसने अपना स्कूल कॉलेज खोला तो उसका नाम लिखा था शिबली नेशनल कॉलेज, यानी वो राष्ट्रवाद का पैगाम इस जगह, इस देश से, इस कोने से दिया गया। ये आजमगढ़ और पूर्वांचल की धरती सामाजिक न्याय की धरती रही है, ये पूर्वांचल और आजमगढ़ की धरती मोहब्बत और प्यार की धरती रही है। हम लोग बचपन से सीखते रहे कि इस तमसा नदी के किनारे कभी कोई तपस्या करा, कोई ऋषि मुनि जिसने कभी दंगा करने के लिए कोई बात नहीं बोली, उस समय तो टीवी भी नहीं थी कि प्रायोजित लोग टीवी पर बिठा कर कहें कि ये बाबा जी आए हैं और पर्चा बनाएंगे। पर्चा बनाने वालों को टीवी पर बिठाकर इस देश को अंधविश्वासी बनाया जा रहा है। और पुराने लोग, आपको भी याद होगा, मेरे पिताजी भी पुराने कॉमरेड और उनके बहुत सारे साथी, बहुत वरिष्ठ लोग, बहुत सम्मानित लोग इस सभागार में होंगे। एक तरफ कभी डंकर प्रस्ताव आता था, विदेशी नीतियां आती थी, नव उदारवादी नीतियां आती थी, तो उसका विरोध करने वाले वैचारिक लोग आजमगढ़ में हुआ करते थे। एक समय जब इस देश में प्राइवेटाइजेशन का जो विरोध होता था, तो उसके बड़े आंदोलन आजमगढ़ में चला करते थे। और आज अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर एक एयरपोर्ट बढ़ाने के नाम पर अगर जमीन छीनी जा रही है, तो हमारे आजमगढ़ के लोग शायद कहीं कमजोर पड़ गए कि उस आंदोलन को अंतिम मुकाम तक अभी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। यह मुझे पीड़ा है और इसमें मैं अपनी भी कमी मानकर चलता हूं। वो वैचारिक लड़ाई कहां चली गई भाई? और आज आजमगढ़ की पहचान दिल्ली में संसद में बैठे किन लोगों से हो रही है, मैं उस पर कोई टिप्पणी करके इस वैचारिक मंच को हल्का नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आज खतरे में केवल आजमगढ़ या कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी ताकतवर हो तो वो कुछ दिन और अपने को बचा लेगी, कोई नेता ताकतवर हो उसकी चारदीवारी ऊंची रही होगी तो उसके घर पे पत्थर कुछ दिन बाद जाएंगे। गरीब, कमजोर, मजलूम सबसे पहले मारा जाएगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, आज इस देश में झूठे लोगों की सरकार है। वो लखनऊ में बैठा व्यक्ति हो चाहे दिल्ली में बैठा हो, वो दोनों के दोनों खुलेआम झूठ बोल रहे हैं और हमारे और आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। और चूंकि वो बर्बाद करने का एक उदाहरण दे रहा हूं, इस देश का प्रधानमंत्री देश के सामने झूठ बोलता है कि हम हर साल में इतने नए IIM खोल रहे हैं, इतने नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, इतने नए हॉस्पिटल बना रहे हैं, और उसी प्रधानमंत्री की सरकार का एक मंत्री संसद में बयान देता है कि जितना कुल अब तक 9 साल में खुला होगा उतना प्रधानमंत्री 1 साल में खोल रहे थे। इतना बड़ा झूठ बोलने वाले देश में आप रह रहे हैं। नोटबंदी हुई, आपको लाइन में लगवा दिया गया, हम और आप भूल गए। आपको GST आपके ऊपर लागू करके पूरा बिजनेस व्यापार चौपट कर दिया गया, हम उसको भी भूल गए। कोविड आया तो इस देश में जिहाद के नाम पर, उस समय भी जब दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही थी, तो हमारे यहां दंगा करके मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा था। और आज ये दंगाई और झूठे लोगों की आग मणिपुर से लेकर मेवात तक में लगाई जा रही है। और अगर हम इस आग को नहीं बुझा पाए तो माफ करिए, ये वैचारिक लड़ाई की हार होगी। और मैं आखिरी बात कह रहा हूं, बहुत लंबी बात नहीं, क्योंकि स्वामी प्रसाद जी आए हुए हैं। एक गुजारिश यही है कि आज हमारी बिखरने का, हमारी चीजों का, मैं एक बात कहता हूं ना कि खेत का बंटवारा फसल से होना है तो हम खेत बचा लेंगे तो फसल का बंटवारा कर लेंगे, और अगर खेत ही लूट गया तो फसल का बंटवारा किस बात के लिए होगा। और इसलिए आज इस सम्मेलन के बाद क्या होना चाहिए, आयोजन समिति के लोगों ने अगर 1 रुपया चंदा किसी से लिया होगा, हालांकि आज के जमाने में किसी बेचारी काम के लिए लोग पैसा वैसा देना नहीं चाहते, वैचारिक काम पीछे हो गया है,
लेकिन फिर भी आजमगढ़ की धरती में देखिए वैचारिक काम हो रहा है तो इतने लोग खड़े हैं। आपने इतना बड़ा सम्मेलन किया, आप तमाम लोग अपना जरूरी काम छोड़कर यहां आए, तो हम लोग इस भ्रम में नहीं है कि कोई नई बात कोई बड़ी बात आपसे कह देंगे। हमसे ज्यादा संघर्ष करने वाले लोग हो सकता है श्रोताओं में बैठे होंगे, मगर ये सम्मेलन खत्म हो जाएगा और हम घर जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे, कैसे समझाएंगे कि सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है। और मदावे से कह रहा हूं कि आज इसी प्रदेश और इसी जिले के कम से कम 50% लोग इससे ज्यादा आबादी होगी जो सामाजिक न्याय शब्द का मतलब भी नहीं जानती होगी। बताइए मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सामाजिक न्याय शब्द का मतलब, क्योंकि उनके उनके बच्चों तक न शिक्षा पहुंची, न रोजगार पहुंचा, न दवाई है, न पढ़ाई है, न कमाई है, न सिंचाई है। और हम पढ़े लिखे लोगों की भाषा ऐसी हो गई है कि वो गांव के लोगों को समझा नहीं पा रहे, और इसमें हम भी शामिल हैं। इसलिए इस सामाजिक न्याय सम्मेलन का केवल फार्मूला गांव गांव ले चलने की जरूरत है। फार्मूला केवल यह है, और फार्मूला तो हमारे तमाम लोगों ने दे रखा था, पहले का फार्मूला है समाजवादी आंदोलन और देश समाजवादी मूल्यों पर बना। भाई हमारे कांग्रेस के साथी मनोज भाई बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के साथी बैठे हुए हैं, और दूसरे सामाजिक संगठनों के साथी बैठे हुए हैं। और मैं क्यों शुरुआत में इंडिया बात कहा, क्योंकि बिना एकजुट हुए अगर हम लड़े तो हम सब हारे जाएंगे और मारे जाएंगे, ये हमारी तस्वीर साफ दिख रही है। अरे भाई चाहे आपकी पार्टी का नेता हो चाहे उनकी पार्टी का नेता हो, कोई जेल जाने से बच रहा है क्या? किसी कोई कोई पार्टी ऐसी है जो बता सकती है क्या कि उसके नेता के ऊपर झूठे मुकदमे नहीं हुए? कोई पार्टी ऐसी बता सकती है क्या कि ईडी सीबीआई के रेड मार करके, आप तो उत्तर प्रदेश के हैं, आइए महाराष्ट्र में देखिए बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां तोड़ दी। तो जो नोटबंदी का पैसा था, जीएसटी का पैसा था, ये जो कालाधन के नाम पर झूठ बोला गया था, वो झूठ बोल करके देखिए 700 जिले हैं इस पूरे देश में और 900 बीजेपी की पार्टी ऑफिस बन गई है, 5-स्टार होटल से ज्यादा अच्छी बन गई। बाकी तो सारी पार्टियां सत्ता में रही होंगी, इस जगह पर देखो कि आप कहां हो। लेकिन उनका मकसद यह था कि हम पार्टी कल रहे ना रहे, हमारे लोग हर संस्थान पर कब्जा कर लिया। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और मैं जानता हूं कि आरएसएस के लोग इस देश के हर एक संस्थान में बिठा दिए हैं। कल को बीजेपी हारेगी ना तो भी वो लोग उसमें बैठे रहेंगे और आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे। सिलेबस बदल दिया, सिलेबस बदलकर इतिहास बदल रहे हैं। अच्छा ये गठबंधन के लोग हैं, पॉलिटिकल बात मैं तो ज्यादा नहीं करूंगा, बाकी लोग करेंगे क्योंकि ये वैचारिक मंच है। लेकिन एक दाव सारे विपक्ष के लोगों ने मिलकर जो चुना कि नाम रख दिया इंडिया, और प्रधानमंत्री ने गलती से दो चार बार विरोध कर दिया, उन्हीं का समर्थक कहने लगा इंडिया के खिलाफ इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बोल सकता है। भाई ये बहुत बहुत कारगर तीर था जो सही निशाने पर लगा है। तो अब प्रधानमंत्री कैसे बोलते पता है? I.N.D. मतलब आप इस देश को एकदम नमूना समझते हैं। आपके झूठ को जो सच मान ले, आपके धोखों को भी जो भरोसा करके आपको वोट दे दे। मैं आज भी कह रहा हूं ये वैचारिक मंच है, यहां से एक बात इंडिया वाले लोग और जोड़ ले। समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने भी एक नारा दिया है और उस नारे का नाम था PDA, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। मैं खुश हूं, बधाई दे रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के लोग अब साफ तौर पर अपनी रणनीति को एकदम सामने रख करके रणनीति बना करके लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ गलतियां की, जैसे हम कह रहे ना अभी, भाई देखिए वैचारिक काम है, यहां अगर तूतू में होगा तो अगले दिन अखबार की खबर में यही होगा स्वामी प्रसाद मौर्य जी मंच पर थे और आपस में सब भिड़ गए, इसकी खबर चलाएंगे। और उनके यहां कुर्सी भी चल जाएगी तो भी उसकी खबर बाहर नहीं आती। इसलिए हमें दिल बड़ा करना होगा, जैसे मैं कह रहा हूं ना कांग्रेस पार्टी की भी गलती। लेकिन चलो मैं आज इस मंच से उस गलती का जिक्र नहीं कर रहा, मैं आपको बधाई दे रहा हूं कि आपके नेता ने भी कहा कि इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, पिछड़े और दलितों के बात होनी चाहिए। और इसलिए मैं एक रिश्ता यहां देख रहा हूं, और इसीलिए शायद हम जैसे लोग एक मंच पर बैठे हुए। हमने पार्टी और संगठन छोड़ा, अगर संगठन को ही आगे रखा तो बारी बारी सब मारे जाएंगे। एक झंडा एक बात रखो कि इंडिया को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए जाति जनगणना। अब जैसे मैं आखिरी बात बोल रहा हूं, इसी को गांव गांव ले जाने की जरूरत है, वरना यह सम्मेलन हो जाएगा। मैं गांव में गया और वहां लोगों से पूछा कि आरक्षण खत्म हो गया
तो वहां पिछड़े और दलित बैठे थे भाई, उन्होंने पलट कर पूछा कि ई का होला, और ये 75 साल बाद का भारत है, ये हमारी चुनौती है। इसलिए मैं के जी हैं, इनकी पूरी टीम है जो सामाजिक न्याय सम्मेलन कर रहे हैं, बहुत मेहनत से कर रहे हैं, थोड़ा इस लड़ाई को जितने लोग गांव-गांव ले जा रहे हैं उनका साथ देना होगा। चौपाल गांव में लगाइए, खटिया गांव में बिछाइए, तब जाकर के गांव वालों को समझाएंगे, वरना बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन चिड़ियों फंसना मत। केवल हम लोग यही बात कहते रह जाएंगे और उसके बाद भी हम देखेंगे कि चिड़िया फंस जाएगी, क्योंकि ये 5 किलो ना जो 500 रुपए पर वोट देने वाले लोग कौन है भाई, ये तो हमारे लोग है ना, और हम अपने लोगों को अगर जोड़ नहीं पाए। और एक बात और है, जातियों को खत्म करने की बात कही थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, लेकिन माननीय कांशीराम को यह बात समझ में आ गई कि ये जातियां टूटेगी, खत्म इतनी जल्दी होने वाली नहीं, तो माननीय कांशीराम ने रणनीति बदली कि अब जाति को खत्म करने का जिम्मा हमारा नहीं है, जो सबसे ज्यादा मलाई खाया वही जाति खत्म करे, वही परजीवी जिसको हमारे लोग कहते थे कमेरा है हम और बाकी लोग लुटेरा है, तो उन्होंने जातियों को जोड़ा और मजबूत किया। लेकिन अब 2023 में एक और खतरा आ गया है और सामाजिक न्याय के मंच से इस खतरे को भी आगाह करने की जरूरत है कि जातियों के नाम पर पॉलिटिकल पार्टियां बन गई और वो केवल अपने वोटों का सौदा कर रही हैं, उनको विचारधारा से कोई मतलब नहीं है और यहां से विचार लेकर वहां पर सौदा कर रही। कल तक आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे चल सन्यासी मंदिर में और उसके बाद झुठा बना रहे थे और आज आप वहां चले गए। अगर घर में झगड़ा हो, भाई से झगड़ा हो, तो जाकर चौराहे पर जहर नहीं खाया जाता है, यह साफ बात मैं कह के जा रहा हूं। आप वैचारिक रूप से किसी से लड़ लीजिए, लेकिन आप वैचारिक रूप से उनके साथ खड़े हो गए तो उनकी जाति बिरादरी के भी तमाम लोग इस सभागार में होंगे, और कोई एक उदाहरण मैं नहीं दे रहा हूं, हर जाति बिरादरी के लोग आज ऐसे हैं जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। कोई जाति ऐसी नहीं है जो ये कह दे केवल इस देश में अगर कोई उनको वोट नहीं दे रहा है बड़ी तादाद में तो वह इस देश का मुसलमान है। लेकिन बीजेपी की साजिश देखिए, हम अपनों को अपनाने में दिल बड़ा नहीं कर पाए और बीजेपी पसमांदा को अपनाने के लिए सम्मेलन करने लगी। आप गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? और यह सम्मेलन वो बीजेपी कर रही है जो आज भी इस देश में दंगा करा करके केवल चुनाव मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ना चाह रही। हमारे लोग, हम अपने लोगों को एकजुट नहीं कर पा रहे। इस देश में आज जो भी सामाजिक न्याय की बात करता है, और सामाजिक न्याय का केवल एक लाइन का मतलब है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इस नारे में एक नारा और जोड़ना होगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। अगर हम जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, हम अब कोई सामान्य जातियां हैं जो पाल, प्रजापति, चौहान और तमाम कश्यप निषाद जातियां हैं, उन जातियों के वोट तो आज कहां जा रहे हैं, अगर वो वोट किसी नाराजगी में जा रहे हैं और आप तक नहीं आए तो इसका मतलब सामाजिक न्याय सम्मेलन अधूरा है। अगर चुनाव नहीं जीते, अगर गुरु किल्ली कहते थे माननीय कांशीराम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि अगर आप राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। हमने अपने बच्चों को राजनीति से दूर कर दिया और एक से एक झूठों को लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की कुर्सी पर बैठा दिया है। वो झूठ बोलेंगे चुनाव जीत जाएंगे, और हम सच बोलकर अगर चुनाव हार रहे तो केवल आखिरी वाक्य है, पता नहीं 2024 के बाद सामाजिक न्याय सम्मेलन दोबारा आजमगढ़ में हो भी पाएगा या नहीं, मुझे इसका खतरा दिखाई दे रहा है। पता नहीं हम सब एकजुट होकर के कोई ऐसी चीज बचा पाएंगे या नहीं, इसका खतरा हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो लोग धर्म के नाम पर इस देश को बांटना चाहते हैं। जब भी कोई मंदिर और मस्जिद की बात करे, आप अपने इलाके में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की बात करने लगिए, दंगा अपने आप रुक जाएगा। अगर आज कोई आपसे कहे कि आपकी जाति का हक कोई दूसरी जाति वाले ने ले लिया, तो आप उससे कहे कि भैया पिछड़ों को बांटने के लिए जो कमेटी तुम बना रहे हो ना, इस कमेटी की जरूरत छोड़ो, आज तुम्हारा मंत्री कह रहा है ओबीसी को आरक्षण मिले, इस देश में लगभग 20 साल होने जा रहा है और 20 साल के बाद आज भी इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में 4% से ज्यादा ओबीसी नहीं पहुंचे, तो 27% ओबीसी को तो आरक्षण मिला ही नहीं कभी, और वो कह रहे हैं कि ओबीसी को हम बांट देंगे। आप सोचिए कितने जगह पर वो काम कर रहे हैं। आप कह रहे थे ना मौर्य, अहिर, कुर्मी, कोयरी, तमाम जातियां, निषाद, मल्ला, कुम्हार, नाई, मोची, तमाम जातियां, वो सब मिलकर के एक पहचान थी ओबीसी।
और जिस दिन आपको बांट दिया ना, आपकी पहचान खत्म हो जाएगी और फिर आप भूल जाएंगे ये कहना कि आपकी इतनी आबादी है। वो सब उसकी तैयारी कर चुके हैं और चुनाव के ठीक पहले वो आपको बांटने का काम कर रहे हैं। ये ओबीसी को बांटेंगे, उसके बाद शेड्यूल कास्ट को बांटेंगे, उसके बाद शेड्यूल ट्राइब को बांटेंगे और सबको बांट के आपस में लड़वाएंगे ताकि उधर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी मिल जाए और इस देश के शिक्षा, रोजगार और संपत्ति पर थोड़े से लोगों का कब्जा बरकरार रहे और अपने दोस्तों के हाथ में पूरे देश की सरकारी पूंजी को बेच दिया जाए और फिर भी लोग झुंझुना बजाते रहे। इस देश में एक समय ऐसा था कि सरकारीकरण करना उपलब्धि मानी जाती थी, आज ऐसी सरकार है कि प्राइवेट हाथों में बेच देना उपलब्धि हो गई है। अब इसलिए आप वक्त ज्यादा न लेकर के मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, चुनाव आने वाले हैं और जब भी चुनाव आते हैं तमाम तरह की बहसें होने लगती हैं। आप आजमगढ़ घूम कर देखिए, बड़ी बड़ी होल्डिंग लगी हुई है कि इतना करोड़ दे दिया, उतना करोड़ दे दिया, इतना रुपया दे दिया, उतना रुपया दे दिया। आप आजमगढ़ के लोगों केवल एक बात पूछना, आप आजमगढ़ उत्तर प्रदेश ऐसी जमीन है जिसका खतरा भी है। इसी प्रदेश में अयोध्या भी है, मथुरा भी है, काशी भी है। और जब जब उत्तर प्रदेश की राजनीति होगी वो सांप्रदायिक दंगों की राजनीति होगी, इसलिए उसकी दो ही दवाई है। एक दवाई तो वो है जो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं और ये जो बड़ी मारक और बड़ी कारगर दवाई है, इस दवाई को भी साथ के साथ डोज देते रहना होगा कि भाई अगर खुदाई करवा रहे हो तो गहरी खुदाओ और देखो कि इस देश में सबसे नीचे अगर कोई मूर्ति मिलेगी तो वो तथागत बुद्ध की मूर्ति होगी, ये तो गारंटी है इस देश में। क्योंकि बुद्ध एक विचार का नाम थे और बुद्ध का विचार समाजवादी और मानवतावादी विचार था, 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, ये जो नारा था वो विचार का नारा था, सामाजिक न्याय विचार है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को अगर आप हराना चाहते हैं तो आप केवल और केवल विचारधारा से हरा सकते हैं। उनके तरफ गोडसे, गोलवलकर और हेडगवार हैं, हमारे पास बुद्ध से लेकर कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह हैं, ज्योतिबा फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, नारायण गुरु बसवन्ना चोखा मेला हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा हैं, अब्दुल कयूम अंसारी हैं, आसिम बिहारी हैं और यहां पर चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हैं, पेरिया ललई सिंह यादव हैं, महामना रामस्वरूप वर्मा हैं। इतनी समृद्ध विरासत जिस समाज की हो, वो समाज अगर सत्ता से दूर है तो यहां से घर जाने के बाद आईने के सामने बैठिएगा कि कहीं ना कहीं गलती हमारी है। डरने की जरूरत नहीं है, हम इस देश के विचार के साथ हैं और भारत का संविधान और मंडल कमीशन को बचाने के लिए हम कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह के वारिस, सम्राट अशोक के वारिस, तथागत बुद्ध के वारिस, लोहिया और अंबेडकर के वारिस, इस देश के संविधान को बचाने के लिए आइए एकजुट हो जाए।